नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कैलाश अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको यूरिक एसिड के बारे में बताऊंगा और साथ साथ ये भी बताऊंगा कि यूरिक एसिड का अगर लेवल बढ़ जाता है तो गठिया की बीमारी हो जाती है, और गठिया की बीमारी में आपको क्या क्या परहेज करना है और क्या क्या परहेज नहीं करना है, इसके बारे में मैं विस्तृत जानकारी आपको दूंगा। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और अंत तक इस वीडियो को देखें ताकि आपको यह जानकारी मालूम हो। अगर आप गठिया से पीड़ित है, आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ है, तो आप इस वीडियो के माध्यम से अपने यूरिक एसिड को मेंटेन कर सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर दे, और साथ ही साथ बेल आइकन बटन प्रेस कर दे ताकि नई नई नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ताकि अगर मैं लाइव कंसल्टेशन करूँ तो आप मुझसे जुड़ सके और अपने क्वेरी मुझसे कन्फर्म कर सकते हैं। कोई भी पूछताछ हो तो आप पूछ सकते हैं। दोस्तों, यूरिक एसिड एक केमिकल है जो ब्लड में पाया जाता है। इसका अनुसूत्र है C5H4N4O3। दोस्तों, यूरिक एसिड हमारे बॉडी में एक वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में पाया जाता है। जब आप प्रोटीन खाते हैं तो ब्लड में प्रोटीन टूटता है, तो एक केमिकल ब्रेक डाउन होता है जिसे प्यूरिन कहा जाता है। जब प्यूरिन टूटता है ब्लड से और प्रोटीन से, तो वो यूरिक एसिड के रूप में बन जाता है। दोस्तों, ये प्यूरिन अगर ज़्यादा बन जाते हैं तो ये क्रिस्टल के रूप में हो जाते हैं, और आपके बॉडी के जितने भी जॉइंट्स हैं, स्मॉल जॉइंट्स हैं या बड़े जॉइंट्स हैं, उसमें ये अपना जगह बना लेते हैं, उसमें ये जम जाते हैं, बैठ जाते हैं, जिसके कारण आपको दर्द बहुत ज़्यादा होता है। अगर पैर में, पैर के जॉइंट्स में है तो आप चल नहीं पाइएगा, खड़े नहीं हो पाइएगा। अगर आपके फिंगर्स जॉइंट्स में है तो आप लिख नहीं सकते हैं, या आप फिंगर मूव नहीं कर सकते हैं, इतनी ज़्यादा पेन होती है। इसके साथ साथ इसमें दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है, बुखार भी आता है, स्वेलिंग भी रहती है। तो ये गठिया के लक्षण हैं। दोस्तों, इसका जो नॉर्मल वैल्यू है वो लेस देन 6 है, यानी कि अगर 6 पॉइंट के आसपास अगर रहती है तो आपको गठिया की बीमारी नहीं है। अगर 6 से ज़्यादा बढ़ती है तो आपको यूरिक एसिड का लेवल बढ़ गया तो आपको गठिया की बीमारी हो जाती है। तो दोस्तों, इस बीमारी को बढ़ने पर आप होम्योपैथिक चिकित्सक से मिले, होम्योपैथी मेडिसिन से आप अपने इस गठिया बीमारी को बिल्कुल बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। मैं भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करता हूं। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मुझसे इलाज करवाना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले, और उसमें मेरा आईडी है डॉक्टर कैलाश CM@CM4। इस आईडी को उस कॉल मी फॉर ऐप पे आप पुटअप करेंगे तो मुझसे बात हो जाएगी और आपके जो क्वेरी है वो ठीक हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ कि इसमें क्या खाना है और नहीं खाना है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा इसमें परहेज किया जाता है मीट, यानी कि जो आप मटन खाते हो या रेड मीट खाते हो। रेड मीट यूरिक एसिड बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा सोर्सेस है। रेड मीट यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, और चिकन मटन जो भी मीट है, जो ऑर्गेन मीट है, उसको आप बंद कर दें। साथ ही साथ आप अल्कोहल को बंद कर दें, वाइन यानी शराब लेना बंद कर दें। इससे यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ता है। ये सब यूरिक एसिड के सोर्सेज हैं, इससे बढ़ते हैं। और आप सब्ज़ी में, कुछ सब्ज़ी ऐसे हैं जो आप नहीं खाएं,
बाकी सब्ज़ी आप ले सकते हैं। जैसे कुछ सब्ज़ी नहीं खाना है उसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले है कॉलीफ्लावर यानी फूलगोभी। फूलगोभी में भी यूरिक एसिड यानी प्यूरिन्स पाया जाता है। इन सभी में प्यूरिन्स केमिकल पाए जाते हैं। साथ ही साथ आप स्पिनच नहीं ले, यानी कि पालक की जो साग होती है वो नहीं खाए। आप मशरूम को भी बंद कर दें क्योंकि इसमें भी प्यूरिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। आप मटर नहीं ले। साथ ही साथ कुछ दाल ऐसे हैं जिसमें ज़्यादा प्यूरिन्स पाए जाते हैं, लेकिन दाल उतना इफेक्टेड नहीं होता है, कुछ हद तक इफेक्टेड होता है। आपको राजमा नहीं खाना है। साथ ही साथ अगर आप टी या कॉफ़ी पीने के शौकीन हैं तो आपको इसका सेवन बंद कर देना होगा, क्योंकि इससे यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है और आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी। साथ ही साथ आपको भिंडी नहीं खानी है, अरबी नहीं खानी है और चावल को भी बैन कर देना है। तो ये सब है जो आपको परहेज करना है, ये सब आपको नहीं खाना है। साथ ही साथ आपको क्या खाना है जिससे आपका यूरिक एसिड का जो लेवल है वो मेंटेन रहे, आपको गठिया की बीमारी ना हो, तो आप विटामिन सी से भरपूर जो भी फ्रूट्स है या जो भी फूड आइटम है जिसमें विटामिन सी पाया जाता है आप उसको ले सकते हैं। जैसे कि नींबू हो गया या आंवला है या आपको चेरी हो गया, ये सब आप ले सकते हैं। और आप पानी बहुत अच्छी मात्रा में ले जो, और साथ ही साथ जो हाई फाइबर फूड है उसको आप ले। साथ ही साथ आप अंगूर भी ले सकते हैं। अगर आप मसालों की बात करते हैं तो आप हरा धनिया ले सकते हैं, क्योंकि ये एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में मौजूद है और धनिया यूरिक एसिड के लेवल को कम करता है। साथ ही साथ आप एप्पल का सिरका यानी सेब का सिरका पानी के साथ ले सकते हैं। तो दोस्तों ये सब थे यूरिक एसिड को मेंटेन करने के लिए आपको क्या क्या खाना है, क्या क्या परहेज करना है, क्या क्या परहेज नहीं करना है, इसके बारे में मैं पूरी आपको जानकारी दी है। अगर आपको कोई क्वेश्चंस है, कोई क्वेरीज है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं कॉल मी फॉर एप्लीकेशन डाउनलोड करके, उसमें मेरी आईडी drkailash@cm4 पुटअप करके मुझसे बात कर सकते हैं। तो दोस्तों चलता हूँ, मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।